नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ओक्टा एफएक्स में अपन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे अपन ट्रस्टेड है जो कॉपीराइटर उनको अपन कैसे कॉपीराइट कर सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अपन आज वीडियो पूरा आपको बताएंगे कि कैसे आपको सर्च करना है कि कॉपी ट्रेड जो करता है वो अपने को अच्छा बेस्ट कैसे मिल पाए, ठीक है। उससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हमारा ट्विटर टेलीग्राम उसको ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट आती रहे वो आपको वहां पे मिलती रहे। तो चलते अपन। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, ये अपना कॉपी ट्रेड वाला ओक्टा एफएक्स ऐप है। इसके अंदर हम आपको अब बता देते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे कॉपी ट्रेडर है उनको ढूंढना है। ये बीच वाला ऑप्शन है रेटिंग, इस पे आपको आना है। रिस्क स्कोर है उसके अंदर आपको आना है, एंड ऑल टाइम जो चल रहा है सही उसको आपको सर्च में लाना है, ठीक है। टॉप गेनर को मत लाना, क्योंकि जो टॉप गेनर होता है वो ओनली थोड़े टाइम के लिए गेनर होता है, उसके बाद में वो डाउन कर जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ द मैजिशियन, ये 30% कमीशन लेता है, 50 कॉपीयर है इसके, और इसने 12,931% इसने दिया है, बट $115 का लॉस भी कराया है। तो आप यहाँ पे इसकी समरी में देख सकते हो इसका प्राइस क्या है, $41 के आसपास इसका प्राइस है। फिलहाल इसका 1% रिस्क है, 83 डेज हो गए इसको, $5 to $1,00,000 चैलेंज, सेफ ट्रेडिंग, नो मार्जिन ट्रेडिंग, 3% रिस्क पर ट्रेड टू राइस क्विकली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके 50 कॉपियर है, 115 यहाँ पे दिखा रहा है लॉस, फ्लोटिंग इसका 0 है, बैलेंस इसका $287 है। अपन नीचे देखें रिस्क मैनेजमेंट, तो इसने $99.81 का 5 डेज पहले लॉस किया है। ट्रेडर सही है ये, जुलाई से अगस्त, अभी ये सितंबर इसमें काम कर रहा है ये बंदा, तो ये सही है। बट यहाँ पे अपन ट्रेड देखें इसकी कि इसने किस प्रकार से लिया है, फ्लोटिंग में सही है इसका, 0.01 है यूरो इसके ऊपर। अभी आज इसने कितना लिया है उस हिसाब से देख लेते हैं। आज इसने $2.3 और सवा चार डॉलर के आसपास इसने दिया है सबको प्रॉफिट। तो इस हिसाब से आपको क्या है इनकी चेक करनी है, स्टडी करनी है कि आपको यहाँ पे कैसे कॉपियर सही चाहिए। दूसरा अपन बात करें, ये टू रिस्क है, इसमें इसने क्या किया, JHNB इसका $40 है, टू रिस्क है इसकी, $168 है 133 डेज। यहाँ पे इसका फ्लोटिंग देख सकते हो $177 के आसपास है, कॉपियर 319 है, और इसने 1 मंथ के अंदर $80 का प्रॉफिट दिया है, यानी 2x इजीली इसने कर दिया है। फ्लोटिंग 0 है इसका, 168 है बैलेंस इसका। रिस्क मैनेजमेंट में देख रहा तो $142 37 डेज से पहले इसने लॉस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, इस प्रकार के जो चार्ट होते हैं वो बंदा मतलब हमें पता चलता है कि वो मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है। इस चीज को आप नोटिस करना। अब अपन इसकी ट्रेड देखें, ट्रेड देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 00 पे क्लोज किया है, आज 8 सितंबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने आज $1.35 के आसपास इसने किया है, ठीक है। और यहाँ पे इसने $2 and $4 का कल इसने प्रॉफिट दिया था लोगों को, तो ये भी एक अच्छा बात है। ये देखो क्लोज इसने यहाँ पे किए थे 2 ट्रेड, यहाँ पे आप क्या है क्लोज डेट है वो भी इसके देख लिया करो, ठीक है, कि इसने कितना लॉस खाया है कितना प्रॉफिट दे रहा है। यह भी अपने लिए क्या है एक अच्छी बात होती है, वो भी आपको क्या है देखना पड़ता है कि यहाँ पे किसने प्रॉफिट दिया है किसने लॉस दिया है। इसने क्लोज कर दी,
यहाँ पे $6 का लॉस दिया, बट इसने इसको क्लोज कर दिया, इसने उसको रखा नहीं। जो रखते हैं ना उसके अंदर क्या है, अपने लॉस ज़्यादा होता है, वो क्या ये कवर खुद ही करवा देते हैं ट्रेडर। तो ये एक सबसे इनके बेस्ट काम है। 1 मंथ ने इसने $40 का 2x दे दिया, 3 मंथ के अंदर आप देख सकते हो कितना इसने दिया है, तो लगभग ऑलरेडी इसने 10x दे दिया, तो वो अपने लिए बहुत बेस्ट बात होती है। 6 मंथ के अंदर बात करें तो 6 मंथ में इसने $533 के आसपास इसने दिया, बट 184 का लॉस भी हुआ है। तो ऐसे क्या है, हम आपके लिए क्या बेस्ट कॉपियर लेके आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कौन सा मतलब सही है, किस हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कॉपियर को आपको सीधा ही इसको ज्वाइन करना है, उसके बाद में यहाँ पे आप आओगे तो ट्रेडर की जो भी हिस्ट्री है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, वॉलेट है वॉलेट में आपको यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा, कॉपियर एरिया है जो भी आपने कॉपी किया है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको इसी का लेके आएंगे फॉरेक्स का, तो बिल्कुल भी इनको मिस मत करना। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।